एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डेफिनेशंस ऑफ पैरेलल लाइंस, लाइन सेगमेंट, स्क्वायर, रेडियस ऑफ द सर्कल. नाउ फर्स्ट पैरेलल लाइंस. डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस यहाँ पे मैंने लिखी हुई है पहले. डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस नेवर मीट, नेवर मीट, कभी भी ये मीट नहीं होती, एक दूसरे को टच नहीं करती. क्यों? एंड इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम एट एवरी पॉइंट. किसी भी पॉइंट पे आप देख लो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे है, इनके डिस्टेंसेस इक्वल होंगे. किसी भी पॉइंट पे देख लो, बराबर चलेंगे डिस्टेंस. ओके, इसलिए ये पैरेलल जाती है, कभी भी कहीं पे भी मीट नहीं होती. अगर इनके डिस्टेंसेस थोड़े कम हो जाएंगे आगे आगे जाते, तब जाके ये मीट होंगे. इसलिए पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन आपने ये लिख लेनी है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है. इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा हर एक पॉइंट पे सेम रहता है. इनको आप नेम दे दो एल एम और नीचे लिख दो यहाँ पे पैरेलल लाइंस. ये आपने ड्रॉ करनी है पेंसिल के साथ और इनमें यहाँ पे डिस्टेंस दे दो और इक्वल डिस्टेंस लिख दो एम एम दोनों जगह पे. मतलब दो या तीन जगह पे आप कहीं पे भी डिस्टेंस दे सकते हो. इक्वल डिस्टेंस के लिए आप एम एम एन एन या 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आप ले रहे हो या 1 सेंटीमीटर का, तो वो भी आप शो कर सकते हो. ठीक है, एल एंड एम पैरेलल, इनको लिखने का ये तरीका है. एल लाइन जो है पैरेलल है एम, ये आपने नीचे एंड में लिख देना है एल पैरेलल टू एम. ये इसका मेथड है कि पैरेलल लाइंस को लिखने. अब ये दो बीच में पैरेलल लाइंस बना दोगे, उसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है परपेंडिकुलर लाइंस. अब परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, पहले भी आपने परपेंडिकुलर कब बनती हैं, जब दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है. तो दिस डेफिनेशन ऑफ द पैरेलल लाइंस क्या बनेंगे यहाँ पे, अ लाइन एल आई आई यहाँ पे मिसिंग है, लाइन मीटिंग अनदर लाइन एट अ राइट एंगल. राइट एंगल मीनिंग 90 डिग्री पे. कोई भी लाइन दूसरी लाइन को अगर 90 डिग्री पे मीट करती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है. यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देती हूँ एक और, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है एक, ये 90 डिग्री बन रहा है. और अगर आप लेफ्ट साइड को बना रहे हो यहाँ पे, तो भी ये 90 डिग्री का है. अगर ये ऊपर को ऐसे बन रही हैं दो लाइनें, तो भी ये 90 डिग्री का है. ठीक है, ये सारे 90 डिग्री के एंगल्स हैं. इसके बाद थर्ड डेफिनेशन है आपकी लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट के लिए आप डेफिनेशन लिखोगे लाइन विद टू एंड पॉइंट्स. कोई भी लाइन जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन तो आप बनाते हो ना, इसके कोई एंड पॉइंट्स ही नहीं है. जितनी मर्जी आप लंबी कर सकते हो, दोनों की साइड बड़ी बना सकते हो, लेफ्ट साइड को भी बढ़ सकती है, राइट साइड को भी. लेकिन अगर लाइन सेगमेंट आपने बनाना है तो इसके दो एंड पॉइंट्स होंगे जो आपको डेफिनेट लेंथ देते हैं. आपने 2 सेंटीमीटर बनाना है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर. अब इसको जैसे मैंने 4 सेंटीमीटर बना दिया, इसको आप नेम दे दो ए बी. यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है लाइन सेगमेंट विद टू एंड पॉइंट्स. ये एक लाइन जो इम्पोर्टेंट है, टू एंड पॉइंट्स. अगर लाइन के दो एंड पॉइंट्स होंगे तो वो लाइन सेगमेंट बनेगा. नेक्स्ट है आपका, ये आपने ड्रॉ करने हैं साथ साथ में पेंसिल के साथ, रेडियस ऑफ द सर्कल. रेडियस ऑफ द सर्कल, अब रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस. मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखी, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. आपको पता है ये सेंटर है और ये जो है आउटर जो बाउंड्री होती है, ये वाली सारी जो जो ब्लू के साथ मैंने बनाई है, ये इसका सर्कमफ्रेंस है. ओके, सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक आप जितने भी लाइनें लगाओगे सारे रेडियस होंगे. मैंने एक लाइन बनाई है यहाँ पे ब्लैक पे, आप 2-3 लाइन बना के भी शो कर सकते हैं. जैसे कि ये हो गया सेंटर और ये सर्कमफ्रेंस पे आप पॉइंट ले सकते हो ए. अगर मैंने यहाँ पे कोई बी पॉइंट लिया है और मैंने सेंटर को बी के साथ ज्वाइन कर लिया, तो ये भी आपका रेडियस होगा. रेडियस को आप स्मॉल आर से डिनोट करते हो, ओ ए, ओ बी. यहाँ पे अगर मैं पॉइंट और ले रही हूँ सी, अगर आप इसको ज्वाइन कर रहे हो सी पॉइंट को, तो ये भी आपका क्या होगा, ओ सी इज अ रेडियस.
आर, रेडियस की आप प्लूरल लिखते हो रेडी, रेडी आई भी बोलते हैं कि इसको बच्चे, रेडी ऑफ द सर्कल, डबल आई आएगा यहाँ पे, डॉट नहीं डल रहा, डबल आई, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये भी आपने ड्रॉ करनी है पेंसिल के साथ। पहले इसको कंपास के साथ सर्कल बनाना है, उसके रेडियस शो करना है। नेक्स्ट है आपका, जो जो मैं लिख रही हूँ वो भी आपने लिखना है साथ में। फिर बाद में है यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। स्क्वायर क्या, फोर साइड फिगर जो होती है, फोर साइडेड फिगर को आप क्वाड्रिलेटरल बोलते हो। क्वाड्रिलेटरल जो है जिसकी सारी साइडें बराबर होती है, क्वाड्रिलेटरल तो कोई भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल, दिस इज क्वाड्रिलेटरल, दिस इज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये सारे क्वाड्रिलेटरल है। फोर साइडेड कोई भी फिगर है क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ये सारी लाइंस लेंथ जो है इक्वल है, इस मैं इनको इक्वल का साइन लगा रही हूँ यहाँ पे। ये जो दो दो साइन लगाए हैं इसका मतलब है ये सारी लाइंस इक्वल हैं। इसको मैं नेम दे रही हूँ ए बी सी डी, ओके, एंड ऑल एंगल और राइट एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे एंगल्स आएगा पूरा, ठीक है, ऑल एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स कौन कौन से बने हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ठीक है, इसको आप साथ में ऐसे भी लिख सकते हो नीचे इसके, ए बी सारी इक्वल लिख सकते हो, इक्वल टू बी सी, ये यहाँ पे शॉर्ट पड़ रही है थोड़ी सी जगह, ठीक है, और यहाँ पे ऑल इक्वल जो है एंगल्स शो कर दो, क्या इसमें फिगर में शो कर दो आप जो भी आपने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। क्या सबने डायग्राम जो है पेंसिल स्केल के साथ बनाने हैं। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2।